अब मिनी क्यूबा में मुक्केबाजी के साथ देखेंगे कुश्ती के दाव पेच। कुछ पहले से और अब कोरोना काल में कुश्ती का कम हुआ क्रेज, हरियाणा कुश्ती संघ ने भिवानी कुश्ती संघ को किया जिंदा। नई कार्यकारिणी का गठन कर नए लोगों को सौंपी जिम्मेदारी। आर्थिक कमजोरी के चलते कुश्ती के पहलवान पिछड़ रहे, नए पदाधिकारियों ने आर्थिक तंगी को दूर करने का दिया भरोसा। हरियाणा के बारे में कहावत है, सभी ने सुनी होगी, कि दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा। पर भिवानी को दो दशकों से मिनी क्यूबा का नाम मिला है। अब उसी मिनी क्यूबा में पुरानी कहावत को जिंदा करने व मुक्केबाजी के साथ कुश्ती के दाव पेच दोहराने की नई पहल शुरू हुई है। ये पहल शुरू की है हरियाणा कुश्ती संघ ने। बता दें कि बीते दो दशकों में भिवानी के कुश्ती के पहलवानों के दाव पेच कम और मुक्केबाजी के मौकों की धमक ज्यादा सुनाई दे रही है। समय के साथ यहाँ कुश्ती के दंगल व दंगल लड़ने वाले पहलवान भी कम हो रहे हैं। कोरोना काल में तो मानो कुश्ती व पहलवानों पर कहर बनकर टूटा हो, पर हरियाणा कुश्ती संघ ने अब नई शुरुआत की है। ये शुरुआत सालों बाद भिवानी कुश्ती संघ की नई कार्यकारिणी, जिसमें सर्वसम्मति से सूर्य प्रकाश को संघ का जिला प्रधान, सुरेश मलिक को सचिव व श्यामा सुंदर को खजानची की जिम्मेदारी देते हुए पूरी कार्यकारिणी गठित की गई है। नई कार्यकारिणी का गठन करने पहुंचे हरियाणा कुश्ती संघ के पर्यवेक्षक वृषभान ने बताया कि भिवानी कुश्ती संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि संघ के नए प्रधान व अन्य पदाधिकारी आपस में व अन्य लोगों से समन्वय स्थापित कर पहलवानों के लिए आर्थिक व अन्य जरूरत का सामान जुटाएंगे, जिससे कुश्ती व पहलवानों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने माना कि कोरोना काल में पहलवानों पर बहुत असर पड़ा है, लेकिन फिर भी पहलवान फिजिकली फिट हैं और उन्हें हर संभव मदद मिले तो वो आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। भिवानी कुश्ती संघ के नव नियुक्त जिला प्रधान सूर्य प्रकाश ने बताया कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे वो बहुत अच्छे से निभाएंगे और कोशिश करेंगे कि समृद्ध लोगों व सरकार के साथ मिलकर कुश्ती के पहलवानों को आने वाली समस्याओं व परेशानियों को जल्द दूर किया जाए। उन्होंने बताया कि कुश्ती का खेल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आर्थिक व अन्य कमियों का असर जरूर पड़ा है, जिसे अब समय रहते दूर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी संघों को एक करने का प्रयास करने के लिए सराहनीय पहल का भी दावा किया। बता दें कि हरियाणा को किसान, जवान व पहलवानों का प्रदेश माना जाता है। ऐसे में कुश्ती संघ द्वारा कुश्ती व कुश्ती के पहलवानों को आगे लाने के लिए शुरू की गई ये मुहिम लोगों ने सराही है। अब देखना होगा कि इस मुहिम के भविष्य में क्या परिणाम आते हैं। पर संघों को एक करने का प्रयास यदि सफल रहा तो ये पहलवानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। भिवानी से इंद्रवेश की रिपोर्ट। मुझे जिला प्रधान की जो जिम्मेवारी मिली है, मैं उसको बहुत बढ़ावा दूंगा और कोशिश करूंगा अभी सरकार द्वारा लोगों का से हेल्प लेके जैसे भी करके हम कुश्ती को बहुत आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशली और जिस भी तरीके से मतलब बच्चों की हमसे हेल्प की जाएगी वो हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। कुश्ती पिछड़ा हुआ तो नहीं कह सकते, एक फाइनेंस की कमी होने के कारण जो बच्चे हैं वो रुक जाते हैं यहीं पे, वो आगे नहीं बढ़ पाते। उसकी कमी पूरी हो जाएगी तो बच्चे आगे अपना जोहर दिखाएंगे। उसी की कोशिश करने के लिए हमें आज प्रधान चुना गया है भी। हम सब मिलके जो जो जिनको जो जो पद मिले हैं सभी कोशिश करेंगे और सभी को इकट्ठा करने की, एकजुट करने की कोशिश करेंगे। आज हमने भिवानी कुश्ती संघ के गठन के लिए भिवानी में ज़्यादा से ज़्यादा कुश्ती को बढ़ावा मिले और हमारे पहलवान आगे तक जाएं इंटरनेशनल लेवल पे, इसलिए इसका पुनर्गठन के लिए एक सभा बुलाई, एक मीटिंग बुलाई, जिसमें हमारे गणमान्य जो प्रतिनिधि हैं वो आए। मैं पर्यवेक्षक हरियाणा कुश्ती संघ की तरफ से राजकुमार हुड्डा हैं हमारे सचिव और दीपेंद्र हुड्डा हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से मेरे को भेजा गया और पर्यवेक्षक की तरह मैंने यहाँ एक ऑब्जर्वर मैं यहाँ पर आया और कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सूरज प्रकाश को अध्यक्ष बनाया गया सर्वसम्मति से। डॉक्टर सुरेश मलिक जो पहले भी सचिव थे, काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी अच्छा काम किया है, उनको दोबारा से सचिव नियुक्त किया गया। खजानची हमारे श्याम सुंदर हैं कोच साहब, उनको किया गया, बाकी उनकी सबकी सहमति से और गठन किया गया कार्यक्रम। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।